हेलो, वेलकम टू एग्री टाइम, लर्न एग्रीकल्चर विथ मी। दोस्तों, आज का टॉपिक है एग्रीकल्चर क्वेश्चन बैंक पार्ट 9। दोस्तों, ये कुछ डेली वीडियो अपलोडिंग टाइम है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो कि संडे टू सैटरडे फॉलो होता है। ओके, नेक्स्ट क्विज देखते हैं हमारा क्वेश्चन बैंक का। ये रहा आपके स्क्रीन पर, सब्जियों की खेती इसमें से किस शाखा में किया जाता है। आपको मैं 10 सेकेंड का टाइम दूंगा, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना। फ्लोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फिर एग्रीकल्चर, द साइंस कॉन्सेंट्रेटेड विथ वेजिटेबल कल्चर इज कॉल्ड। आपका टाइम शुरू होता है, ग्रियन शो होता है अब। टाइम ऑफ होता है एग्रियंस। पहला क्विज का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सब्जियों की जो खेती की जाती है, कल्टीवेशन की जाती है, वो की जाती है दोस्तों ओलेरी कल्चर में, याद रखिएगा सभी। नेक्स्ट क्विज देखते हैं, आंवला में मुख्यतः किस विधि द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। अगर आपने क्विज 8 देखा है, यानी कि क्वेश्चन बैंक 8 देखा है, तो आपको इसका आंसर पता चल जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो आपका आंसर गलत हो सकता है। आंवला इज मेनली प्रमोटेड बाई विच मेथड, एज बडिंग, रिंग बडिंग, ट्री बडिंग या फिर पैच बडिंग। आपका आंसर देने का जो समय शुरू होता है वो होता है अब। नेक्स्ट टाइम ऑफ होता है ग्रियंस। क्विज नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पैच बडिंग, ठीक है, तो याद रखिएगा सभी। और क्विज 8, ठीक है, यानी कि सेट 8 एग्रीकल्चर क्वेश्चन में का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी पार्ट्स जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। क्विज नंबर 3 देखते हैं, एक पानी फर्न जिसे चावल के खेतों में हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है। ए वाटर फर्न विच इज यूज्ड एज ए ग्रीन मैन्यूर इन राइस फील्ड इज सेल्विना या फिर आपका मेकोर या फिर एस्परिगिलस या फिर एजोला। आपका टाइम शुरू होता है, एग्रियन सेंसर देने का वो होता है अब। टाइम ऑफ होता है एग्रियंस। क्विज नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, एजोला, ठीक है, जो कि पानी फर्म के रूप में होता है और चावल यानी कि पैडी के खेतों में हरी खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसानों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हरी खाद के पौधे मुख्य रूप से बिलोंग करते हैं या होते हैं। ग्रीन मैन्यूर प्लांट्स यूज्ड बाय फार्मर्स मेनली बिलोंग टू कंपोजिटी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी या फिर पोएसी। आपका टाइम शुरू होता है ग्रियंस, वो होता है अब। टाइम ऑफ होता है ग्रियंस। जनरली जो किसान है, फार्मर्स हैं, वो इस्तेमाल करते हैं हरी खाद के जो पौधे होते हैं उसे, तो वो कौन सी कुल की होती हैं, तो होती है फ्रेंड्स लेग्यूमिनेसी की, ठीक है, दलहनी कुल की होती है, तो याद रखिएगा सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया की प्रमुख संबंधित जितने भी फसलें हैं वो किससे से संबंधित होती है। प्रमुख मेजर क्रॉप पूछा जा रहा है, मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड बिलोंग्स टू कौन सी फैमिली की होती है। लेग्यूमिनेसी, ग्रैमिनी, सोलेनेसी या फिर आपका क्रूसीफेरी। आपका टाइमिंग शुरू होता है ग्रियंस, वो होता है अब। बहुत ही सिंपल क्विज है फ्रेंड्स, ठीक है, और सभी का आंसर लगभग सही होगा। चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं। क्विज नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीणी कुल की होती हैं। दुनिया की प्रमुख खाद्यान्न फसलें ग्रामीणी कुल से संबंध रखती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्विज देखते हैं, 6वां नंबर का क्विज नंबर 6, सबसे महत्वपूर्ण खरपतवार है जिसके खिलाफ युद्ध स्तर पर उन्मूलन के उपाय किए जाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीड एग्निस्ट विच इरेडिकेशन मेजर्स वुड बी टेकन ऑन वार फ्यूटिंग इज, आई चोर्निया, डेक्लिस, पार्थेनियम या फिर आपका एग्रेटम। आपका टाइमिंग शुरू होता है एग्रियंस, कमेंट करने का वो होता है अब।
टाइम ऑफ होता है ग्रीवेंस। क्विज नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पार्थेनियम। ठीक है, पार्थेनियम याद रखिएगा सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्विज की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक कीटनाशक है, प्राकृतिक नेचुरल जो इंसेक्टिसाइड है वो पूछा जा रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल इंसेक्टिसाइड, पार्थेनियम, निकोटीन, दोनों ए व बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। चलिए आप कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आपका टाइम खत्म होता है। इस क्विज का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, पार्थेरम और निकोटीन, ये दोनों ही नेचुरल इंसेक्टिसाइड है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, बॉथ ए एंड बी। क्विज नंबर 8 देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पोषक रसायनों या दूषित पदार्थों को पानी द्वारा भंग कर दिया जाता है या मिट्टी की निचली परत पर ले जाया जाता है क्या कहलाता है, मल्चिंग, मरुस्थलीकरण, भस्मीकरण या फिर लीचिंग। द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट, केमिकल्स और कॉन्टेमिनेंट्स आर डिसॉल्वड एंड कैरिएड अवे बाय वाटर और आर मूव्ड इनटू ए लोअर लेयर ऑफ सॉइल, मल्चिंग, डिसर्टिफिकेशन, इंसेनरेशन या फिर लीचिंग। आपका टाइमिंग शुरू होता है एग्रियंस कमेंट करने का, वो होता है अब। टाइम ऑफ होता है एग्रियंस। इस क्विज का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लीचिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है यहाँ पे, क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, लीचिंग या फिर मिट्टी की निचली परत में जो चला जाता है पानी उसे क्या कहते हैं, तो लीचिंग कहते हैं। और कैसे चला जाता है, तो जो पोषक तत्व जो रसायन है वो दूषित पदार्थों को पानी के द्वारा भंग कर देते हैं और लीचिंग चले जाते हैं, मतलब कि नीचे चले जाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, लीचिंग कहेंगे। नेक्स्ट क्विज देखते हैं, क्विज नंबर 9, गेहूं की उच्च उपज देने वाली किस्मों को मुख्य रूप से भारतीय वैज्ञानिक द्वारा पारंपरिक किस्मों के साथ पार करके विकसित किया गया है, यानी कि परंपरागत जो किस्में हैं उनके साथ क्रॉस करके जो उच्च उपज वाली किस्में हैं गेहूं की उन्हें विकसित किया गया है। तो कौन सी जो किस्में हैं उन्हें क्रॉस किया गया था, अमेरिकी किस्मों के साथ, मैक्सिकन किस्मों के साथ, यूरोपीय किस्मों के साथ या फिर अफ्रीकीय किस्मों के साथ। हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ वीट वेयर प्राइमरली डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट बाय क्रॉसिंग ब्रीडिंग ट्रेडिशनल वेराइटीज विथ। आपका टाइमिंग शुरू होता है ग्रियंस, वो होता है अब। टाइम ऑफ होता है ग्रियंस। क्विज नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिकन किस्में, मैक्सिकन वैराइटीज जो हैं इनके साथ जो क्रॉस है वो किया गया था, हमारे परंपरागत जो किस्में हैं गेहूं की उनके साथ, जिससे क्या बना, उच्च उपज वाली गेहूं तैयार किए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्विज देखते हैं, क्विज नंबर 10, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, बहुत ही सिंपल क्विज है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। वेयर इज इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लोकेटेड। आपका टाइमिंग शुरू होता है ग्रियंस, वो होता है अब। टाइम ऑफ होता है ग्रियंस। क्विज नंबर 10, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़, IGKV छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी एग्रीकल्चर फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में पता चले और वो भी डेली टू डेली क्लासेस अटेंड करें।